हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करें यूनिकोड फॉन्ट के बारे में कि किस तरीका से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यूनिकोड में आपके मंगल फॉन्ट हो गया, बहुत तरीके के अलग अलग फॉन्ट हो जाता है। किस तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब है जो आज हम बात करने वाले हैं। और इसको किस तरीके से जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से जो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कि हम लोग चलते हैं कंप्यूटर से, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो कि हम लोग टाइप करेंगे यूनिकोड फॉन्ट हिंदी और यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि वेबसाइट यहाँ पे खुल करके आ जाएगा अलग अलग। तो यहाँ पे जो कि हम लोग सबसे पहला वेबसाइट पे चलेंगे, ये हम लोग को काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर लेकर के चलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया टाइपिंग करके एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लेकर के चलाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम लोग जैसे नीचे करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्षर यूनिकोड फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कि यूनिकोड यहाँ पे फॉन्ट का नाम हो गया और यहाँ पे जो कि इसका प्रीव्यू है और यहाँ पे जो कि डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो आपको प्रीव्यू अच्छा लगे उस पर जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग आपको यहाँ पर फॉन्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पे अलग अलग नाम से अलग अलग आपको यहाँ पे मंगल फॉन्ट यहाँ पे है ना, कलाम यूनिकोड फॉन्ट है, हिंदी यूनिकोड फॉन्ट है, अलग अलग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मोडक यूनिकोड फॉन्ट है, या जो आपको प्रीव्यू देख करके जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम लायक है, यहाँ से जो कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अक्षर यूनिकोड फॉन्ट है इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, ये हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको जो कि आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है। यहाँ से हम लोग इसको प्रीव्यू करेंगे, यहाँ पर आ गया। और यहाँ से जो कि हम लोग इसको कट करेंगे और यहाँ से जो कि हम लोग ले करके चलाएंगे जहाँ हम लोग का फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर में आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट में आएंगे, न्यू फॉन्ट और यूनिकोड फॉन्ट यहाँ पे जो कि ले आते हैं, पेस्ट करेंगे और यहाँ से जो कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जीप फाइल में रहता है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये बाहर में आ गया, देखिए अक्षर फॉन्ट है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कि कॉपी करेंगे, ठीक है। ये दो फॉन्ट ये ऑलरेडी हम पहले से डाल चुके हैं, ये लैला है, ये हिंदी है, ये दोनों को हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं तो इसको हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे जो कि अक्षर को सिर्फ लेंगे और इसको जो कि यहाँ से कॉपी कर लिया है। सिंपल हम लोग को क्या करना है, दो स्टेप है, दोनों स्टेप से आप जा सकते हैं। सिंपल आपको सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में जाने के बाद विंडो में जाना है, विंडो में जाने के बाद यहाँ पे फॉन्ट में जाना है और यहाँ पे जो कि जा करके डायरेक्ट आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से जो कि कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद भी आप यहाँ पर जो कि ये काम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपीयरेंस करके है एक, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पे फॉन्ट आता है, फॉन्ट में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम जो यहाँ पे जो प्रक्रिया या जो पोजीशन है वहाँ पर ये पहुँचा देगा और यहाँ पे डाल सकते हैं। दोनों तरीका से आप यहाँ पर सिंपल आना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे जो कि ये पेस्ट हो गया है, सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग आएंगे और इसे जो कि यहाँ से फिलहाल बंद करेंगे और फिर से जो कि हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। हम लोग किसको खोजना है, अक्षर फॉन्ट को खोजना है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे नया पेज लेंगे और यहाँ पे आते हैं, टाइपिंग का सिंबल लेते हैं और यहाँ पे अक्षर हो गए। तो ये देख सकते हैं अक्षर यूनिकोड फॉन्ट आ गया और यहाँ पे जो कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो कि यूनिकोड फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यह इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, आई होप आपको वीडियो बढ़ा कीजिएगा, ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाइए।